यह है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का जोगा मुसाइब, जहां पे लगी थी 10 दिनों पहले भयंकर आग। किसी के घर जले तो किसी का टूटा मकान, किसी की हाथ जला तो किसी का पैर। फिर भी नहीं पहुंचा कोई प्रशासन का काफिला, लगातार लोग कर रहे हैं मदद की गुहार। कोशिश करें कि इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। मोहम्मदाबाद ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है जोगा मुसाही। यहां कुछ दिन पहले आग लग करके, जैसा कि आप देख पाएंगे वीडियो में, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, घर वर सब जल गया, गाड़ी वड़ी। तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम चाचा जी से बात करेंगे कि अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या मदद हो पाई है, आग कैसे लगी है, तो चाचा जी बताएंगे। तो आइए इनके माध्यम से सुनते हैं। चाचा, आप हमको ये बताइए, आग लगी कैसे? आग तो भैया है ही जगह है, यहीं जैसे है ही जगह समझ में तो घर ले हल्ला तो पता ना कैसे कहाँ हो गई। यहीं में रही चार आदमी रहने को, चार आदमी दूगो नाती रही सर और लड़का एगो रहे, यहीं में लागल। अब पता ना कैसे वो ढल अलग, यही में हमको बताओ खाई के हम गंजी उंजी फुल काट के एकदम उठम रही, दूगो चौकी रही सर वहीं पर उठम। जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं, ये इधर कहीं कोने साइड से आग लगी है और इसी में ये लोग सो रहे थे खाना वाना खा करके, और आप ये वीडियो में देख सकते हैं जो कुछ भी था सब जल करके खाक भी मिल गया है। वीडियो रोको। अच्छा चाचा, आप ये बताइए कि कितने घर जले हैं यहाँ? यहाँ तो मान लेते हैं कि 4-5 घर जल रहे हैं। हाँ, 10 घर जरल बा। हाँ, हमन के कुछ सहयोग ना मिलल तो का कह जब अब ये झोपड़ी सपड़ी पूरे पड़ा पड़ा। वीडियो रखा। चाचा ये बताइए, आग लगने से कितने घर जले हैं यहाँ? यहाँ तो 10 घर जरल बा। 10 घर। अच्छा अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा कुछ मदद हो पाई है आप लोगों की? नहीं, कुछ नहीं। कितना दिन हो गया आग लगे हुए यहाँ? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, सारा कुछ जल चुका है, रहने के लिए छप्पर भी नहीं है, लोग अपना तिरपाल डाल करके व्यवस्था कर रहे हैं रहने के लिए, बरसात का मौसम भी है। और ऐसे में 10 दिन बीत गया, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। और चाचा जी, आप हमें ये बताइए, आपके ग्राम सभा के प्रधान के द्वारा कोई मदद आई आपको? कुछ नहीं। कौन प्रधान है आपके यहाँ से? बाबू साहब। नाम बताइए। राम प्रवेश राय। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और प्रधान जी के द्वारा भी कोई यहाँ मदद नहीं आई है। ये पूरा भैया का हाथ जला है, कोई इनका एक छोटा भाई है चचेरा, उसको बचाने की इन्होंने कोशिश किया और खुद झुलस गए उसमें। तो भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि ये आग लगे हुए कितना दिन हुआ? आप आग लगे हुए 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया है। 10 दिनों में यहाँ कौन कौन लोग आए थे आप लोगों का हाल चाल जानने? उस दिन नेपाल आए थे और ग्राम प्रधान आए थे। लेखपाल आए थे और ग्राम प्रधान आए थे जिस दिन आग लगी थी। हाँ। उसके बाद और भी कोई आया था? नहीं, उसके बाद कोई नहीं। मन्नू अंसारी आए थे। हाँ, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं मन्नू अंसारी जी, वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी दौरा कर चुके हैं। और आग को कितना दिन हो गया अभी? 10 दिन बीत चुके हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुँची है। और ऐसे में आप लोग ये देख सकते हैं, सारा कुछ जल गया है, ऊपर रहने को छप्पर भी नहीं है और अभी बरसात का मौसम भी है और बारिश होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में मदद ना होना ये एक प्रशासन की लापरवाही भी कही जा सकती है कि प्रशासन ने 10 दिन बीतने को है और अभी तक कोई सहायता राशि नहीं आ पाई है, प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कितने घर घर यहाँ जले हैं? घर 10 घर जले। घर 10 घर जल गए हैं। मोटर है इधर, मोबाइल था यहीं पे छूट गया बच्चे को बचाने। अच्छा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो कुछ भी इनके पास था इनका अपना, वो सारा कुछ जल चुका है। अभी ये बच्चे का ये पैर कैसे जल गया? मसूता है। अच्छा, उसमें सो रहा था बच्चा। अच्छा अच्छा, आग लगा आप लोग उस टाइम कहाँ थे? अच्छा, उधर थे, वहाँ से जला है। अच्छा अच्छा, तो ये पीछे ये दरवाजा वरवाजा ये सारा कुछ जल गया आप लोगों का? हाँ, सारा जल गया। बाकी यहाँ इधर भी था ये? कुछ नहीं थे, सब चीज इधर कुछ नहीं था। देखिए ये बता रही हैं चाची कि इधर भी एक इस तरह का था अपना झोपड़ी टाइप का और राशन वसन इसमें रखा हुआ था, अभी वो सारा कुछ जल गया है। बाकी इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत रहा है वो सुरक्षित है। बाकी दरवाजा वरवाजा आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों ने आग पे काबू पाया है।
लेकिन फिर भी ज़्यादा आग होने की वजह से, ज़्यादा लपटे होने की वजह से, गर्म ज़्यादा गर्म उष्मा पैदा होने की वजह से अंदर के भी कुछ सामानों को नुकसान पहुँचा है। दादा ये बताइए हमके कि यहीं कैसे आग लग गई? और आग तो पश्चिम दक्षिण के कोना से लगल। अच्छा, आग उधर साइड से लगी है, पीछे साइड से, और वो इधर इधर करके सारा घर हाँ। पकड़ लिया। कितने घर पकड़ा था आग? अरे लगभग दस घर के आसपास बता रहे हैं लोग। दस घर बा। और जरा ये वीडियो दिखाइए, ये साइकिल वाइकिल जो जरा है सब दिखा दीजिए। इधर पीछे क्या है, पीछे के दिखा दीजिए। थोड़ा हट जाओ भाई, बाबू आइए इधर, आइए इधर दिखाइए, ये सब ये दिखाइए जरा। हाँ चलिए आइए बाबा। ये बताइए कितना दिन हो गया ये आग लगे हुए? आग लगे हुए 10 दिन हो गया। 10 दिन बीत गया है। 10 दिन में प्रशासन के द्वारा कोई आपको मदद आई? अब आया तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखने सब आए हैं। देखने सब आए, कौन कौन आया था? वो आने को तो लेखपाल भी आए हैं, हाँ प्रधान जी भी आए हैं। अच्छा अच्छा, और वो फाटक वाला वो विधायक जी आए थे, मनु अंसारी जी। अच्छा, तो इतने सारे लोग आए थे, इन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे या प्रशासन द्वारा मदद कराएंगे, ऐसा कुछ कहा गया आप लोगों से? हम तो कुछ नहीं सुना है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि मदद के लिए उन लोगों ने कहा? इन लोग रहे ठीक में, बाकी ना फोटो वोटो जैसे ऐसा ही कुछ खींच खाच के ले गए लोग, बाकी आज 10 दिन से मतलब इतने कुछ सहारा हमने के नहीं लोग। अच्छा, भाई बाबू जखन मुँह जो लागत है फिर बसर लिया वाला दुआरे पर धरे पापन के भोजन करते हैं, कपड़ा लगा सब जर गई बा। देखिए दादी बता रही है कि जो भी अपना अनाज पानी कपड़ा वपड़ा जो भी सारा कुत्ता सब जल गया है, और जो भी थोड़ा सा वो लोग हैं जो सोशल वर्किंग करते हैं, जिनको कष्ट होता है, वो अपने घर से थोड़ा बहुत राशन पानी ला करके दे रहे हैं, उनसे इनका काम चल रहा है। तो मैं इस देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहूँगा, जितने साथी आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, ये दलित समाज की बस्ती है और सारे दलित लोग ही हैं। तो अगर जितना भी यथासंभव होगा, जिससे भी जितना सहयोग हो सकता है, कृपा करके आप लोग अपने द्वारा जो भी आपसे मदद हो सकती हो पहुंचाने की कृपा करें। इस YouTube चैनल के माध्यम से ही आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। गाजीपुर जिले के अंतर्गत मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुसाइब जोगापुर पड़ता है, पास में करीमदीनपुर थाना पड़ता है, वहीं पास में बगल में ये गाँव पड़ता है। तो काफ़ी और साथी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो लोग राहत पहुँचाने के लिए इनके पास आए हुए हैं, मैं उन साथियों से भी आप लोगों को मिलवाता हूँ। के दिखा दो। अच्छा, ये भैंस आपकी है? अच्छा अच्छा, ये आग लगने से ये भैंस भी जल गई है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चाचा ये आप मुझे थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश कीजिए कि ये जो आग लगी है, और भी आपके बस्ती के लोग बता रहे हैं कि 10-12 घर जले हैं, और काफ़ी मैंने देखा, तो काफ़ी और साथी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो लोग राहत पहुंचाने के लिए इनके पास आए हुए हैं, मैं उन साथियों से भी आप लोगों को मिलवाता हूँ। दिखा दो भाई। अच्छा, ये भैंस आपकी है? अच्छा अच्छा, ये आग लगने से ये भैंस भी जल गई है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चाचा ये आप मुझे थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश कीजिए कि ये जो आग लगी है, और भी आपके बस्ती के लोग बता रहे हैं कि 10-12 घर जले हैं, और काफ़ी मैंने देखा भी हमने कि गाड़ी वाड़ी साइकिल वाइकिल चरपाई खटिया जो भी है, गैस वगैरह जो भी था, वो सामान वगैरह वो भी उसमें जल गया है, राशन वासन भी बता रहे हैं लोग, तो उसमें देखने से समझ आ रहा है कि हाँ जला हुआ है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कितने लगभग घर जले हैं यहाँ? यहाँ लमसम तो 10-12 ले जली गया है। 10-12 जली गया है, क्योंकि यहाँ से पूरा इधर देखने मतलब ज़्यादा में तो इधर 4-5 घर का ज़्यादा जला हुआ है। हाँ हाँ। और ऐसे 2-1 झोपड़ी थी ऐसे जल गया है। अच्छा, करके इनका कहना है कि 5-6 घर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से जल गए, मतलब सारा कुछ उनका नष्ट हो चुका है, सब कुछ, और बाकी और भी जो लोग हैं उनको भी नुकसान है कुछ हद तक। तो आप ये बताइए हमें कि आज आग लगे हुए कितना वक्त हो चुका है, कितना दिन गुजर गया? 10 दिन हो गया। 10 दिनों में कौन कौन आया आपकी मदद के लिए यहाँ?
मदद के लिए तो कोई नहीं है, आया तो सभी लोग हैं लेकिन मदद कुछ मिला नहीं है। मदद कुछ भी नहीं किया गया आपकी? आने के लिए तो सब लोग आए हैं जी, तो विधायक जी भी आए थे, हाँ। ग्राम प्रधान भी मौके पर उस दिन विभाग लगी थी आए थे, सभी लोग आए थे लेकिन अभी मदद। अच्छा, आपके यहाँ ये राशन की दुकान कोटेदार कौन है? यहाँ मनोज कुमार राय। मनोज कुमार राय हैं, दो लोग हैं। अच्छा, देखिए यहाँ हर गांव में कोटेदार होते हैं, कोटे की दुकान होती है सरकारी, ग्राम सभा में प्रधान भी होते हैं, तो थोड़ा जो जरूरत की चीज़ें हैं वो जैसे राशन हो गया, गेहूँ चावल हो गया, वो तक लोगों ने नहीं पहुंचाया है, किसी के द्वारा मदद नहीं आई है। विधायक जी भी आकर के चले गए, लेखपाल जी आए हैं, उन्होंने अपना कुछ लिखा पढ़ी जो भी किया होगा, 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, तो अभी वो भी लोगों को जानकारी नहीं है उसके बारे में कि उन्होंने आगे की रिपोर्ट में क्या किया है, आगे रिपोर्ट कहां तक पहुंची है और कब तक जो है प्रशासन के द्वारा इनको आराम मिलेगा, रिलीफ दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ है, भैंस जल गई है, एक छोटा बच्चा जल गया है और एक और साथी है उनका पूरा ये बाजू जल गया है। तो ऐसे में थोड़ा सा बहुत ये मानवता को शर्मसार करने लायक चीज़ें हैं, सुन करके थोड़ा सा अपने को भी अच्छा नहीं लग रहा है, कितनी बड़ी हानि हुई है, इतनी यहाँ संपत्ति नष्ट हुई है, फिर भी मदद के लिए लोग आके देखकर तो चले जा रहे हैं लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि चलो हम थोड़ा सा जो भी हो सकता है अपने तरफ से इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दें। तो वीडियो रुकिए एक सेकंड। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ साथी खड़े हैं जो बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को लेकर के समाज के अंदर चलने का काम करते हैं। जब ये खबर इनके तक पहुंची है तो इन्होंने अपने तरफ से जो भी यथासंभव सहयोग हुआ है इन्होंने यहाँ पहुंचाने का काम किया है। तो अभी हमारे साथ रमन जी हैं, आइए इधर, आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। सभी साथियों को जय भीम, नमोदय नीदा सलाम, हम खैराबारी से हैं। रमन जी आपने क्या मदद किया है यहाँ लोगों को? देखिए, हमारे गांव से जो भी सहयोग मिला है उस लाकर अपने फैमिली परिवार से जो है अम्बेडकर परिवार जो इन लोगों को समर्पित कर दिया। अच्छा, तो जैसे आप बता सकते हैं कि आपने जो चीज़ें ला करके दिए वो चीज़ें क्या थी? आटा, चावल, दाल। अच्छा, मतलब जो चीज़ें खाने की थी इन्होंने जो भी यथासंभव इनसे हो सका उन्होंने ये सहयोग यहाँ पीड़ित परिवार को पहुँचाया है। और आज भी कुछ साथी इधर पीछे खड़े हैं, राम प्रवेश जी हैं, मदन जी हैं, आइए। ये लोग यहीं एक भावरकोल ब्लॉक के अंतर्गत एक गाँव आता है अवथही, आ जाइए आ जाइए आइए मदन जी, अरे आइए आइए, बेटिया रोक दिया बता दे। तो अभी आप देख सकते हैं ये अवथही से लोग चल करके आए हुए हैं, ये भी पीड़ित परिवार को कुछ यथासंभव जो इनसे हो सकता है वो मदद ले करके आए हैं। आप लोग बताएंगे आप क्या मदद करने के लिए आए हैं और क्या लेकर के आए हैं आप यहाँ पीड़ित परिवार के लिए? जय भीम साथियों, मैं राम प्रवेश ग्राम अवथही से चल कर आए हुए हैं। हम सभी अपने भीम परिवार से सब लोग लोम करते हुए इनको दुखों को देखते हुए हम लोगों ने अपने गांव से पूरे गांव के अपनी बस्ती अंबेडकर बस्ती से पूरा सहयोग हमको मिला है। गेहूं, चावल, दाल, आटा और प्याज दाल जो भी चीज़ है हम लोगों ने सामग्री जुटा करके खाने वाले सामग्री जो कि यहां पे क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है सब, तो ये सब कपड़ा लत्ता का भी हम लोग सहयोग अपने गाँव से ले करके आए हुए हैं जोगा मौसम में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक, खास करके जो गाजीपुर के लोग हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा सत्य एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं या देख पा रहे हैं जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच जाएगी, आप लोग इस वीडियो को देखने के पास जो भी आप लोगों से यथासंभव मदद हो सकेगी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बहन बेटियां हैं इस घर परिवार में, तो जिस स्थिति ऐसी है कि सारा कुछ जल गया, कपड़ा वपड़ा सारा कुछ नुकसान है इनका, तो जो भी हो सकता है जो समझ में आ रहा है, अभी तक दो लोग मदद के लिए यहाँ आ चुके हैं, अवथही से ये लोग आ चुके हैं, मदन जी हैं, राम प्रवेश जी हैं और वो अभी उन्होंने बताया खैराबारी से रमन जी हैं। तो अभी तक दो ऐसी टीम यहाँ आ चुकी है जो कुछ यथासंभव खाने पीने की वस्तु लोग लाए हैं। तो मैं आप लोगों से भी भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, मैं भी इस एक टीम का हिस्सा हूँ और एक परिवार का इस हिस्सा हूँ, ये परिवार अपना परिवार है, समाज अपना समाज है। तो जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक अगर पहुँचे तो जो भी हो सकता है आप लोग यथासंभव मदद करें और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप संपर्क करके यहाँ तक आप आ सकते हैं, आपको यहाँ तक लाया जाएगा। बाकी बस इतनी बाकी खबर इतनी ही आप लोगों तक हम पहुँचा पाए हैं।
आगे जो भी होता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमो बुद्धाय, जय भीम। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस परिवार का।